विद मी हूँ प्रीति। ये तेरा घर ये मेरा घर के आज के एपिसोड में मैं आ पहुंची हूँ थाने के हीरा नंदानी से, जहाँ रहती है मेरी फ्रेंड अभिलिप्सा, जिसे मैं प्यार से सोमा बुलाती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं सोमा के लिविंग रूम का टूर, तो आइए चलते हैं। Thank you. How are you? I'm fine. ये है मेरी फ्रेंड सोमा और उसके हस्बैंड विशाल। सबसे पहले मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों ने अपने लिविंग रूम टूर के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। और मैं आपको बता दूं कि सोमा इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर है। सोमा बहुत अच्छा योगा सिखाती है ऑनलाइन। अगर आप लोगों को योगा सीखना है तो मैं आपको उसकी इंस्टा आईडी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और विशाल बताइए, अपने घर के बारे में कुछ बताइए पहले तो। अच्छा, ये घर मैंने 2017 नवंबर में खरीदा। ओके। और इसके इंटीरियर में करीबन 3 महीने लगे। ओके। शिफ्ट हुए फरवरी 18 में। ओके ओके। बेसिकली घर का थीम हमने वुडन थीम में रखा है और वी बिलोंग टू ओडिशा। ओके। तो आई स्ट्रांगली फॉलो माय कल्चर। यस वी बोथ। तो इस घर में आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि ओडिशा के कल्चर को दर्शाती है। ओके। उसमें से एक आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द व्हील ऑफ द चैरियट कोणार्क टेम्पल। यस। हाँ, ये काला मुगनी पत्थर से बना हुआ है जो कि वहीं पे ही मिलता है। बहुत खूबसूरत है। मैं आपको पूरा सोमा का जब घर घुमाऊंगी तो आप देखेंगे कि इनके घर में पूरे ओडिशा का कल्चर दिखता है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से ले करके आए हैं अपने घर के इंटीरियर में। तो मैं वन बाय वन इनके घर का एक एक कॉर्नर दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि इन्होंने कितने अच्छे से अपने घर को डेकोरेट किया है। ये है इनका एंट्रेंस और इनके एंट्रेंस में जो मुझे सबसे यूनिक चीज लगती है वो है इनकी डोरबेल। मैं इनके एंट्री डोर पर खड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस लिविंग रूम का साइज। तो इस लिविंग रूम का साइज है 250 स्क्वायर फीट और इन्होंने अपने लिविंग रूम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। राइट हैंड साइड में इन्होंने अपना डाइनिंग एरिया रखा है, साथ में उनका टेम्पल है, और लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने अपना पूरा सिटिंग का अरेंजमेंट कर रखा है। बात करते हैं इनके वॉल की, तो ये कोई वॉल पेपर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने ब्राउन और मस्टर्ड कलर से स्टेंसिल से पेंटिंग करवाई है, जिससे ये वॉल बहुत ही खूबसूरत दिखती है और बिल्कुल वॉल पेपर का लुक आता है। सोमा और विशाल ने अपने इस कमरे की फॉल सीलिंग बहुत ही रजवाड़े टाइप की करवाई है। जैसा कि विशाल ने आपको बताया कि उन्होंने कमरे की थीम वुडन रखी थी, तो आप ऊपर देखिए, ये कोई वुडन पैनल नहीं है, ये पीओपी किया हुआ है, इसको वुडन टच दिया गया है और इसके अंदर बहुत ही प्रॉपर तरीके से लाइटिंग की गई है, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है पूरे कमरे को। ये है इनका छोटा सा डाइनिंग टेबल, ये भी पूरा वुडन है, वुड का बना हुआ है और साइज में नॉर्मल साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। और इसके ऊपर ये खूबसूरत सा उन्होंने सैंडियर लगा रखा है। कॉर्नर पर इन्होंने अपना छोटा सा मंदिर रखा हुआ है। ये मंदिर पूरा मार्बल का है। नीचे का ये जो स्टोरेज आप देख रहे हैं कैबिनेट, ये इनका पूरा वुडन का है। मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा वुडन का इनका कैबिनेट है, जिसके ऊपर ये राजस्थानी पैटर्न में बहुत खूबसूरत सी कार्विंग की गई है। और यहाँ पर इनका बड़ा सा बैम्बू प्लांट लगाया है सोमा ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मुझे याद है अभी 2 या 3 साल पहले सोमा और विशाल वैकेशन के लिए इंडोनेशिया गए थे, वहाँ से ये प्यारा सा आर्टिफैक्ट्स वो लेकर के आए हैं
और ये देखिए जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कमरे में एंटर करते ही नज़र इस पे जाती है। तो जो लोग कोणार्क के सन मंदिर गए होंगे, सूर्य टेंपल गए हैं, उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि ये वहाँ का एक व्हील है जो सूर्य के रथ को खींचता है। ये वही व्हील है, ये मुगनी पत्थर का बना हुआ है और ये बहुत हैवी है, मतलब कि आप इसको नहीं उठा सकते, बहुत भारी है। तो इनके घर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी संस्कृति को इन्होंने सहेज के रखा है अपने घर के अंदर। तो ये था इनका डाइनिंग एरिया, अब चलते हैं इनके सिटिंग एरिया की तरफ। सिटिंग एरिया में आते ही आप यहाँ पर देखिए, ये है इनका छोटा सा टीवी यूनिट, और इनके घर में एलिफेंट आपको हर जगह मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सी जगह पर इन्होंने एलिफेंट रखा है, जैसा कि आपने इनके एंट्री डोर पर भी देखा ही था। तो ये छोटे छोटे हाथी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये टीवी यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये नीचे नहीं रखा हुआ है, ये वॉल के अंदर में फिक्स है, तो आप कह सकते हैं ये एक हैंगिंग टीवी यूनिट है, ताकि नीचे अच्छे से झाड़ू पोछा लग सके। टीवी यूनिट से लगी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है, और वो है मेरे पीछे, गेस कीजिए ये क्या है। ये है एक स्टोरेज, जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा वुडन का कार्विंग किया हुआ ये एक स्टोरेज है, जिसके ऊपर ये राजा और रानी बने हैं। यहाँ देखिए अगेन हाथी, और इसके नीचे वही पहिया। इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इसका जो आप डोर देख रहे हैं, ये सिंगल पीस वुडन पे कार्विंग की गई है, और बहुत खूबसूरत लगता है जब आप वहाँ से एंटर करते हैं। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो ये क्या है, बाद में हमें पता चला कि ये एक स्टोरेज है। मैं पूरा नहीं खोलूँगी, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए, तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा आइडिया। यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना सीटिंग अरेंजमेंट किया है, यहाँ पर इन्होंने 5-सीटर सोफ़ा रखा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इन्होंने अपने घर में अगेन पूरी संस्कृति बसा रखी है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा इनका ये कुशन कवर है, और जो कि इस सोफ़े को बहुत ही पॉपअप कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। सोफ़े के जस्ट पीछे यहाँ पर इनकी बड़ी सी विंडो है, विंडो डोर कह सकते हैं आप इसे, और ये लोग 18th फ्लोर पर रहते हैं, तो यहाँ से नीचे का व्यू कमाल का दिखता है। सोमा को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, तो यहाँ देखिए उसने कितने कलरफुल और कितने खूबसूरत से कुशंस लगाए हैं। ये है इनका छोटा सा मगर हैवी सा कॉफ़ी टेबल, ये पूरा मार्बल लगा हुआ है, और ये टीवी यूनिट से मैच करता हुआ उन्होंने बनवाया है। और इस पूरे सिटिंग एरिया में जो मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग है, वो है ये खूबसूरत सा वॉल आर्ट। ये पुरी के पास एक गांव है रघुराजपुर, वहाँ से इन लोगों ने मंगवाया है इसे, वही एक पर्टिकुलर गांव है जहाँ पर इस तरीके का वॉल आर्ट किया जाता है। इसके अंदर जो कलर्स यूज हुए हैं वो पूरे नेचुरल कलर्स हैं, मतलब इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। और ये जो पूरे आप वॉल आर्ट देख रहे हैं, ये एक ही इंसान बनाता है, और जब तक वो अपने आर्ट को कंप्लीट नहीं कर लेता, वो किसी और प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं लगाता है, मतलब ये पूरे एक इंसान की मेहनत है। और ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ, ये पुरी की फेमस रथ यात्रा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए, ये भगवान जगन्नाथ का रथ है, ये उनकी बहन सुभद्रा का रथ है, ये उनके भाई बलभद्र का रथ है, और यहाँ पीछे भगवान जगन्नाथ का मंदिर। तो ये वॉल आर्ट इतना खूबसूरत लगता है, इस कमरे में जो भी आता है उसकी नज़र इस पे जाती है, और सभी लोग पूछते हैं कि ये आप लोगों ने कहाँ से लिया है। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वॉल आर्ट आपको कैसा लगा। इस वॉल आर्ट को कॉमन लैंग्वेज में पटचित्र भी कहते हैं, और इस पटचित्र को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा यूज किया जाता है, जिसके ऊपर ये सारी डिजाइन बनाई जाती है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये है विशाल का फेवरेट कॉर्नर और ये है इनका बार और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगेन ये भी वुड का बना हुआ है और बहुत भारी है और इसके ऊपर इन्होंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को घूमने का बहुत शौक़ है, साल में एक बार ही आउट ऑफ इंडिया ज़रूर जाते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ कुछ निशानियाँ लेके आते हैं। बहुत लोगों को सुवीनियर्स इकट्ठा करने का शौक़ होता है, इन लोगों के पास भी बहुत अच्छी अच्छी निशानियाँ हैं। देखिए इसके अंदर, देखिए कितने खूबसूरती से सारे ग्लासेस को हैंग किया गया है और इसके नीचे लग रहा है कि जो आप सब लोग सोच रहे हैं इसके अंदर वही है। देख दिखाती हूँ, ये देखिए। विशाल अपने लिविंग रूम का टूर करवाने के लिए, वाकई में आपका लिविंग रूम बहुत खूबसूरत है और पूरी संस्कृति को आपने अपने घर में सजा रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप मेरे सारे व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच प्रीति दिखाने के लिए हमारा घर और थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स। अरे मिलिए विशाल और सोमा के इकलौते बेटे बलदेव से। बलदेव कैसे हो? बहुत अच्छा हूं। वेरी गुड। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि इस पूरे लिविंग रूम में आपको सबसे सुंदर कॉर्नर कौन सा लगा और क्या क्या चीजें थी जिन्हें देख करके आपको भी अच्छे अच्छे आइडियाज मिले हैं। तो जाते जाते मैं विशाल और सोमा को एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, आपकी जिंदगी भी इसी तरीके से हरी भरी बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मेरे किसी और अच्छे वीडियोस में कुछ और अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पी हू प्रीति। बाय।